हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्जिला। एक्जिला जो है वो ये एरिया होता है जिसको हम आर्मपिट भी कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एरिया है ये अपर आर्म और चेस्ट, इसके बीच का एरिया जो है वो आपका आर्मपिट या एक्जिला कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इसकी बाउंड्री जानना ज़रूरी है कि ये किस किस बाउंड्री से मिलकर बना हुआ है, इसका कंटेंट क्या है और आपको एक्जिला क्यों पढ़ना है, यानी इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये एक्जिला है ये एक पिरामिड टाइप की शेप का बना हुआ होता है। ठीक है, ये पिरामिडल शेप है। उसका एक अपेक्स होगा जो कि अपेक्स जो है इस तरीके से जाएगा, उसका एक बेस होगा और इसकी चार बाउंड्रीज होंगी जिसमें एंटीरियर है, पीछे पोस्टीरियर है, ये इधर की साइड मीडियल है चेस्ट वॉल की तरफ, और ये जो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस है यहाँ इधर की तरफ, अपर एंड ऑफ आर्म है यहाँ पर, जो है वो आपकी लैटरल बाउंड्री होगी। तो इसको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, आर्मपिट भी कह रहे हैं। ठीक है, ये एक फैट फिल्ड है, मतलब यहाँ पर क्योंकि फैट भी भरा हुआ होता है, सो फैट फिल्ड पिरामिडल टाइप की शेप इसकी होती है। तो इसकी शेप आपको याद रखनी है कि पिरामिड शेप होती है। कहाँ पर है ये, अपर पार्ट ऑफ आर्म पे और साइड ऑफ चेस्ट वॉल पे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकियल पैक्सिस पे क्वेश्चन आता है, एक्जिलरी वेसल्स पे क्वेश्चन आता है, एक्जिलरी लिम्फ नोड्स पे क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सिस भी इसका कंटेंट है, एक्जिलरी वेसल्स में एक्जिलरी आर्टरी आती है, एक्जिलरी वेन आती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्जिलरी आर्टरी। और एक्जिला में लिम्फ नोड्स होती हैं जो कि किसी इन्फेक्शन के केस में इंक्रीज हो सकती है, या जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या और भी डिफरेंट कंडीशंस में यहाँ एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाता है, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स हैं उनको पैल्पेट करना मतलब छू के टच करके, और उसकी देखते हैं मोबिलिटी क्या है, वो फिक्स है कि नहीं है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर पे, या फिर वो मतलब कौन सा वाला ग्रुप बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम एक्जिलरी जो लिम्फ नोड्स हैं उनको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम एक डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि सारी की सारी जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्लिनिकली कैसे पैल्पेट होती हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है ब्रैकियल प्लेक्सिस, एक्जिलरी लिम्फ नोड, ब्रैकियल प्लेक्सिस जो है नर्व्स का एक ग्रुप है, यू कैन से एक्जिलरी वेसल्स एंड आपके लिम्फ नोड्स जो होती हैं। ये आपका एक फनल शेप टनल की तरह भी काम करता है, जिसमें आपकी न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर जाती है विच पासिस फ्रॉम द रूट ऑफ द नेक टू द अपर लिम एंड वाइस वर्सा। तो आप ये ध्यान रखो कि क्योंकि ये स्पेस है, देखो ये जो है ऐसे है ना, और ये आपका देखोगे तो ये जो जैसे नेक है हमारी, नेक से अपर लिम में और अपर लिम से नेक में जाने के लिए एक फनल शेप कैनाल टाइप बनाता है, जिसमें न्यूरोवेस्कुलर्स मतलब नर्व्स भी जाती है और उसमें वेसल्स भी इसके थ्रू पास होती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फाइन, अब हम बात करते हैं, ये देखो आप डायग्राम, ये फ्रंट ऑफ चेस्ट है, ये जो एरिया है ये एक्जिला है। फाइन, इसमें ये वाला आपका एंटीरियर एक्जिलरी फोल्ड है, ये वाला आपका पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड है, और उनके बीच में जो यहाँ पर एरिया आता है ये आपका एक्जिला आर्मपिट कहलाता है। देखो एक्जिलरी जो फोल्ड है, ये वाला जो एरिया, जैसे अभी आप एक्जिला को देखोगे, ये जो आर्मपिट एरिया है, इसके जो आगे आप फोल्ड को पकड़ो तो ये एंटीरियर है, पीछे जो फोल्ड है उसको पकड़ोगे तो पोस्टीरियर एक्जिलरी फोल्ड है। सिंपल है, एंटीरियर साइड में तो एंटीरियर, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, और एक्जिला का है तो एक्जिलरी नाम लगती है और उसी का ये फोल्ड है। तो ये आपको इसकी सिचुएशन पता चल गई कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, एक्जिला में ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं विच इन इट ड्रेस द अपर लिम एंड द ब्रेस्ट। सॉरी, देखो जो एक्जिला है इसके पास कौन कौन है, ध्यान रखो अपर लिम है और इधर चेस्ट वॉल है, तो अपर लिम्ब से भी और चेस्ट वॉल से जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो एक्जिलरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन करती हैं। ऑब्वियसली क्योंकि पास है ये, वहीं पर ड्रेन करेंगी, तो उनका कोई इन्फेक्शन हो या उनकी कोई कंडीशन हो तो ये लिम्फ नोड्स इंक्रीज हो सकती हैं, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के केस में एक्जिलरी लिम्फ नोड्स क्योंकि वहाँ पर ड्रेन हो रहा है तो उसमें इसके साइज के इंक्रीज होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो लिम्फ नोड्स आपको पैल्पेट होती हैं, मिलती हैं, मतलब बड़ी हुई मिलती हैं। दूसरा, कुछ नॉर्मल कंडीशंस जैसे इन्फेक्शंस हैं उनमें भी बढ़ी हुई हो सकती है, तो इन्फेक्शंस के केस में और जैसे कोई मेटास्टेसिस है या कोई कैंसर है उसमें जो लिम्फ नोड बढ़ी हुई है उनमें एक अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है। जैसे वन ऑफ द डिफरेंस इज लाइक जो मेटास्टेसिस में या फिर किसी कैंसर के केस में जो लिम्फ नोड्स इंक्रीज मिल रही हैं वो हार्ड होती हैं, वो फिक्स हो सकती हैं अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से, तो इनमें दोनों में अच्छा खासा एक डिफरेंस होता है। ठीक है,
एब्सेस भी इस रीजन में काफी कॉमन है. तो व्हाट इज एब्सेस एक्चुअली? एब्सेस आपको ध्यान रखना है, तो एक तो लिम्फ नोड होगी, कोई कैंसर वगैरह होगा उसमें इंक्रीज हो सकती है या इन्फेक्शन में, एक होता है एब्सेस. सो व्हाट इज एब्सेस? एब्सेस इज अ पेनफुल कंडीशन. तो पहले तो ध्यान रखना है इसमें पेन होता है, जब भी एब्सेस होता है पेनफुल कंडीशन है. ये पस का बना हुआ है, यानी पेनफुल कंडीशन ऑफ पस दैट फॉर्म्स इन द बॉडी व्हेन देयर इन एरिया इज इन्फेक्टेड. तो इन्फेक्शन के केस में पस फॉर्मिंग, जो एक मतलब एक स्वेलिंग समझ लो, एक तरह से पस फिल्ड स्वेलिंग है जो पेनफुल भी है, वो आपकी कहलाती है एब्सेस. फाइन, जैसे यहाँ पे कोई एक राउंड सा एक एनलार्जमेंट हो गया जो कि आपका पेन भी कर रहा है, तो वो आपका एब्सेस कहलाता है. अब ये एब्सेस जो है यूजुअली इन्फेक्शन के केस में होता है, तो इसमें जो भी बैक्टीरिया या कोई और इन्फेक्शन जो एजेंट है वो इसमें होगा. वहाँ पर WBC आती है, वाइट ब्लड सेल्स, उनमें से कुछ डेड हो जाती हैं, कुछ आपकी नॉर्मल सेल्स भी होती हैं. तो इसमें लिविंग नॉर्मल सेल्स एज वेल एज डेड WBC सेल्स भी होती हैं पस में, ठीक है ना. तो ये वहाँ पर, और जर्म्स होगी और डेड टिश्यू, बिकॉज वो टिश्यू थोड़ा थोड़ा डेड भी हो जाता है वहाँ पे. तो ये सारी चीज़ों से मिलकर पस बनता है. पस हम उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है. पस आपने देखा भी होगा कि कई बार होता है कहीं पे वाइट कोई एरिया होता है एक स्वेलिंग टाइप की, जिससे से जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंजेक्शन से भी कई बार उस पस को निकालना पड़ता है, और कई बार कोई चीज़ फूट जाती है तो एक वाइटिस टाइप का डिस्चार्ज मिलता है, दैट इज़ नोन एज पस. फाइन, तो यू शुड नो पस क्या चीज़ है और एब्सेस क्या चीज़ है. नाउ हम आते हैं इसकी बाउंड्रीज पे. तो बाउंड्रीज क्या, ये फोर साइडेड पिरामिड है, मैंने आपको बताया एक एपेक्स है, एक बेस है, और इसकी चार वॉल होती हैं, जिसमें कि एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया एक साथ याद रखो, मीडियल और लैटरल हो गया उसको एक साथ याद रखो, ठीक है. और जो इसका एपेक्स होता है उसको हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं. सर्वाइकल एरिया में है, एक्सिलरी एरिया सर्वाइकल क्योंकि इसके पास हुआ, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल है और उससे एक्सिलरी वेसल्स पास करती है, इसलिए इस एपेक्स को हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं. इसमें भी अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, तो उसमें आपको एक्सिला का एपेक्स के बारे में लिखना होता है, ठीक है. अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, एपेक्स या सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल कैसे बनती है और क्या ये होता है. ये बेसिकली पैसेज है नेक और एक्सिला के बीच में, और ये ट्रायंगुलर स्पेस बनाता है. तो देखो, क्योंकि ये जो एपेक्स है, एपेक्स कहाँ होगा, ये जो एक्सिला है इसमें लगभग यहाँ पर कहीं एपेक्स होगा, ऊपर देखोगे एपेक्स, ठीक है. तो ये जो है आपका नेक और आर्म, और उसके बीच की जो एरिया है वही बना रहा है एपेक्स. अच्छा, ध्यान दोगे तो अगर हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या है, क्लेविकल है, तो सामने क्लेविकल होगी, पीछे की तरफ कौन होगा, ऑब्वियसली स्कैपुला होगा, उसका अपर बॉर्डर होगा, ठीक. और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिब्स इसमें होती है. तो अगर आप इसकी बाउंड्री देखोगे तो बाउंड्रीज में क्या होता है, इन फ्रंट इट इज बाय द क्लेविकल, बिहाइंड इट इज बाय द अपर बॉर्डर. फाइन, देखो आप इसमें जो है ट्रायंगुलर स्पेस है, बिहाइंड इट इज बाय द अपर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, क्योंकि स्कैपुला का अपर बॉर्डर आएगा. देखो पीछे तो जो है आपका क्लेविकल का फ्रंट आ रहा है, मतलब ये फ्रंट में तो क्लेविकल हो गया, पीछे की तरफ जो स्कैपुला है उसका अपर बॉर्डर आ रहा है, और मीडियली कौन आ रहा है, इसका आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब आ रहा है. फाइन, आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रिब है, तो फर्स्ट रिब का अगर आप देखोगे यहाँ ऐसे फर्स्ट रिब जा रही है, फर्स्ट रिब का इस एक्सिला पे देखेंगे तो आउटर बॉर्डर होगा. फाइन, तो एक्सिला फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर, स्कैपुला का अपर बॉर्डर, और सामने से क्लेविकल, यही इस सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल को बनाते हैं, ठीक है. तो याद करना बहुत आसान हो गया. अब ऑब्वियसली एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रैकियल प्लेक्सिस, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एक्सिलरी आर्टरी भी जाएगी, ब्रैकियल प्लेक्सिस भी जाएगा. और देखो आर्टरी जाती है तो आप देखोगे एक्सिला के अंदर, इसी के थ्रू एक्सिलरी आर्टरी जाएगी जो कि एक्सिला को ब्लड सप्लाई देगी, और वापस कौन आएगा, एक्सिलरी वेन. तो एक्सिलरी वेन ब्लड सप्लाई को एक्सिला से वापस नेक में लेके जाएगी, फ्रॉम अपर लिम टू नेक लेके आएगी, ठीक है. तो इस तरीके से आप सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल का देख सकते हो कि इसमें क्या क्या इसका कंटेंट होता है. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम के फॉर्म में, आप देख लो इसको. ये इसका डायग्राम है जो आप एग्जाम में बना सकते हो, कि आप जो है फर्स्ट स्ट्रिप बनाओ, फर्स्ट स्ट्रिप का आउटर बॉर्डर हो गया जो इसको वो कर रहा है, फर्स्ट स्ट्रिप का आउटर बॉर्डर, क्लेविकल सामने से हो गई, और अपर बॉर्डर ऑफ द मतलब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये स्कैपुला बना दी, इसका अपर बॉर्डर है. तो ये आपकी सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल को बना रहे हैं. फाइन, अब एपेक्स हमने पढ़ लिया है, अब बेस कौन बनाएगा इसका. देखो बेस जो है ना फेशिया बनाता है मेनली, ठीक है. तो बेस में आपकी स्किन हो जाएगी, इसका आपका सुपरफिशियल फेशिया हो जाएगा, और क्योंकि एक्सिला में है तो उसके फेशिया को हम एक्सिलरी फेशिया कहते हैं. तो आप ध्यान रखो बेस को फेशिया बना रहा है.
उसमें आपका स्किन हो गई, सुपरफिशियल फेशिया याद कर लो और एक्जिलरी फेशिया याद कर लो, और ये याद कर लो कि इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ऑब्वियसली बेस है तो इसका ये डाउनवर्ड ही जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसकी वॉल्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल लैटरल, वो कौन बनाता है। ठीक है, बाउंड्रीज पे आ जाते हैं। बाउंड्रीज में अगर मैं एंटीरियर बाउंड्री की बात करूं तो ये एंटीरियर है, तो देखो यहाँ की जो मसल्स होंगी वो ही साइड में जाएंगी और वही इसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाने में हेल्प जाएंगी करेंगी। तो पेक्टोरिस मेजर पेक्टोरिस माइनर हम पढ़ चुके हैं, पेक्टोरिस मेजर पेक्टोरिस माइनर इसको बनाएंगे। वहाँ पर क्लेव पेक्टोरल फेशिया भी होता है जो हम चेस्ट में पढ़ चुके हैं पेक्टोरल एरिया में, तो वो भी बनाएगा उसको। ठीक है, और क्योंकि एक दूसरा आपको याद रखने की सिंपल सी चीज़ है, सब क्लेवियस। देखो क्योंकि यहाँ पर क्लेविकल है तो क्लेविकल के जो नीचे होगी वो होगी सब, सब माने नीचे। अगर हम सुपीरियर की बात करते हैं तो ऊपर होता है, सब का मतलब होता है नीचे, तो सब क्लेवियस, क्लेवियस के नीचे वाली जो मसल होगी वो यहीं पर होती है क्लेविकल के नीचे, वो इसका आपको एंटीरियर बाउंड्री बनाने में हेल्प करेगी। तो याद हो गया पेक्टोरल एरिया की मसल पेक्टोरिस मेजर पेक्टोरिस माइनर और साथ में क्लेव पेक्टोरल फेशिया, वो भी वहीं पर आपने पढ़ा है, और साथ में सब क्लेवियस मसल होती है जो भी पेक्टोरल एरिया की मसल है। तो ध्यान रखना कि पेक्टोरल एरिया की जो मसल्स हैं उनमें से ये मसल्स जो है इसके एंटीरियर पोर्शन को बना रही है। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी नाउ। अब बात करते हैं पोस्टीरियर की। तो पोस्टीरियरली पीछे देखो क्या चीज़ है, मैंने बताया स्कैपुला होता है पीछे, है ना, ये स्कैपुला है। तो स्कैपुला के जस्ट अंडर वाली साइड में होती है सब स्कैपुलरिस मसल। सब है अगेन एक वर्ड है आपका सब, तो स्कैपुला के नीचे सब। ठीक है, तो इसका देखो जाके तो ऊपर साइड से ये जो है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है, तो सब स्कैपुलरिस मसल तो ऊपर की तरफ बना रही है सब स्कैपुलरिस। और नीचे देखोगे तो ये क्योंकि पोस्टीरियर वाल यहाँ है, तो ये जो यहाँ पर मसल्स होती है वो होती है टीरीस मेजर एंड लैटिसिमस डॉर्स। देखो ये जो मसल है वो लैटिसिमस डॉर्स आई है और यहीं कहीं होती है आपकी टीरीस मेजर। तो जो अगर हम बात करेंगे अपर साइड में तो स्कैपुलरिस बना रही है और लोअर साइड में ये दोनों बना रही है टीरीस मेजर मसल एंड लैटिसिमस डॉर्साई, क्योंकि ये बैक की मसल्स है, वहीं पर आपकी ये इसका पोस्टीरियर जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर में ये एरिया हो गया, पोस्टीरियर में ये हो गया, इसमें लैटिसिमस डॉर्साई टीरिस है और आपकी सब स्कैपुलरिस है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जस्ट रिकॉल या कहाँ कहाँ पर ये मसल्स होती हैं। देखो ये डायग्राम है आपका लैटिसिमस डॉर्साई का, जो बैक साइड है ये आपकी, बैक साइड में यहाँ पर ये लैटिसिमस डॉर्साई मसल है, तो इसका लगभग ऊपर जो पोर्शन है वो इसकी पोस्टीरियर वॉल को बनाएगा एक्जिला की। ठीक है, ये देखो यहाँ मसल होती है लैटिसिमस डॉर्साई के जस्ट ऊपर मसल होती है, ये वाली है आपकी टीरीस मेजर एंड टीरीस माइनर, तो इसमें से जो टीरीस मेजर है वो इसको बना रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मीडियल एंड लैटरल वॉल की। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल आपने पढ़ ली, एपेक्स और बेस पढ़ लिया, अब हम इसकी मीडियल एंड लैटरल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मीडियल कौन है, अब ये अगर एक्जिला है तो मीडियली ये आना चाहिए, लैटरली समथिंग कुछ ह्यूमरस से रिलेटेड आएगा और मीडियली कुछ यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, रिब्स होती हैं। ठीक है, तो जो रिब्स होती हैं वही इसके मीडियल वॉल को बनाएंगी। अब कौन कितनी रिब बना रही है ये आपको याद करना है। तो देखो आपकी जो रिब्स हैं वो कितनी रिब्स इसको बनाती हैं आपको याद रखना है, ये अपर फोर रिब्स जो हैं, अपर फोर रिब्स, ये अपर फोर रिब्स आपकी मीडियल को बना रही है। और रिब्स दो रिब्स को जो जोड़ती है, जैसे ये रिब्स है मान लिया, इन रिब्स को जो मसल जोड़ती हैं वो आपकी कहलाती है इंटरकॉस्टल, मतलब कॉस्टल जो वर्ड होता है वो रिब्स के लिए है, इंटर माने बीच में। तो दो रिब्स के बीच में मान लिया ये रिब नंबर एक है या रिब नंबर दो है, तो इनके बीच की जो मसल्स होती हैं वो इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाती है। तो रिब्स और साथ में इनके इंटरकॉस्टल मसल्स, और साथ में आप चाहो तो ये भी कह सकते हैं जो फेशिया है कवरिंग दोज मसल्स और रिब्स वो भी इसको बनाता है। ठीक है, और वहाँ पर मसल्स होती है सीरेटस एंटीरियर, तो जो मीडियल वॉल है यहाँ पे सीरेटस एंटीरियर मसल भी होती है, जो कि हम पेक्टोरल रीजन में भी पढ़ चुके हैं। तो सीरेटस एंटीरियर और आपकी जो रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स है वो मिलकर इसकी मीडियल वॉल बना रही है, ये वाली मीडियल वॉल होती है। ठीक, अब लैटरल वॉल है, लैटरल में समथिंग रिलेटेड विद द ह्यूमरस। ठीक है, तो ह्यूमरस से रिलेटेड कुछ बनाइए और उसी के आसपास कोई सी मसल्स इसको बनानी चाहिए। देखते हैं कौन बनाता है इसको। तो जो लैटरल वॉल है
इस ये एक तो पहली बात ध्यान रखना है कि ये बहुत ही नैरो हो जाता है क्योंकि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल इसको कन्वर्ज करके रखता है। ये मैंने वर्ड्स बाय वर्ड थोड़ा कोशिश किया लिखने की जिससे कि आप एग्जाम में लिख सको। आप ऐसे एग्जाम में लिख दोगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, फाइन। अब जो एंटी जो लेटरल वॉल है ये थोड़ी नैरो हो जाती है क्योंकि एंटीरियर आगे से आ रहा है, पोस्टीरियर पीछे से आ रहा है, ये सब कन्वर्ज कर जाते हैं तो लेटरल वॉल थोड़ी रह जाती है, नैरो रह जाती है। अब बनाएगा कौन उसको? देखो, एक तो मैंने बताया अपर पार्ट ऑफ शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस इन द रीजन ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। ह्यूमरस में हम पढ़ चुके हैं बाइसिपिटल ग्रूव कहाँ होती है, ऊपर साइड में होती है, तो वो जो एरिया है अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस बनाएगा। ऑब्वियसली मैंने कहा ना ह्यूमरस होनी चाहिए तो अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस बनाएगा। ये याद रखना किस रीजन में बनाता है, बाइसिपिटल ग्रूव वाले रीजन में। और दो मसल होती है इसमें, कोराको ब्रैकियलिस और एक होती है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। देखो बाइसेप्स ब्रेकियाई तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, ये जो मसल होती है बाइसेप्स है ना, ये जो मसल होती है ये वाली सामने ह्यूमरस में, ये बाइसेप्स मसल होती है। तो ऑब्वियसली इसके लेटरल साइड में तो बाइसेप्स बनाएगी, याद होता है तो ठीक है बाइसेप्स याद रख लो। उसके दो हेड होते हैं तो उनमें से जो शॉर्ट हेड होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई का वो आपका लेटरल वॉल को बना रहा है। और साथ में दूसरी मसल है कोराको ब्रैकियलिस। देखो नाम से भी याद हो जाती हैं चीज़ें कुछ, जो नाम से याद हो जाती हैं उनको नाम से कोशिश करनी चाहिए, जो नहीं होती फिर उनको आपको रटना पड़ता है। अब क्योंकि कोराकोइड प्रोसेस होता है यहाँ पे तो कोराकोइड प्रोसेस के नाम से ही कोराको ब्रैकियलिस, ब्रैकियलिस वर्ड हम बोलते हैं, ब्रैकिया वर्ड यूज़ करते हैं हैंड के लिए, तो हैंड की मसल हो जाती है तो कोराको ब्रैकियलिस। तो आप याद रख सकते हो कोराको ब्रैकियलिस एंड बाइसेप्स ब्रैकियाई का शॉर्ट हैड, ये आप दोनों के दोनों लेटरल वॉल को बनाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि कोराको ब्रैकियलिस कहाँ पर होती है सो दैट आपको याद रखना आसान हो जाए, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पर ये कोराकोइड प्रोसेस है और ये है बाइसेप्स ब्रेकियाई, जो ये वाली मसल होती है बाइसेप्स की है, ठीक है ना, ह्यूमरस पे जो मसल है ये बाइसेप्स मसल है। और ये आपका शॉर्ट हेड है, एक है लॉन्ग हेड, ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है, एक शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स है। तो क्योंकि देखो थोड़ा मिडिल टाइप की साइड में आपका शॉर्ट हेड होता है इसलिए शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई ही इसके लैटरल को बनाता है और उसी के जस्ट पास में मिलती हुई मसल होती है कोराको ब्रैकियलिस, क्योंकि कोराकोइड से जा रही है और हैंड में जा रही है। हैंड मैंने बोला अभी ब्रैकिया जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हैंड के लिए करते हैं, कोराकोइड प्रोसेस कोराको ब्रैकियलिस, समझ में आ गया। तो कोराको ब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड आपका बाइसेप्स का इसकी लैटरल वॉल को बना रहा है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान हो गया इसको याद रखना, एक एपेक्स है एक बेस है। एपेक्स तो आपको समझ आ गया, वो एक कैनाल है आपकी, ठीक है, जो आपका बेस है फेशिया बना रहा है। मीडियली देखोगे तो आप वही आपकी रिब्स वगैरह हो गई यहाँ पे और जो पेक्टोरल एरिया की मसल्स हैं वो हो गई। लैटरली देखोगे आप, सॉरी, ये जो इसकी एरिया की मसल्स हैं वो आपकी एंटीरियर में जाएंगी, ठीक है। मीडियली आपकी रिब्स हो गई, लैटरली आप देखोगे तो कौन जाएगा, बाइसेप्स के बाइसेप्स बनाएगा, मतलब ह्यूमरस बनाएगा अपर पार्ट और उसका बाइसेप्स का पार्ट बनाएगा। तो ये कुल मिला के आपका एक्जिला का एरिया बना रहे हैं। एक्जिला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ब्लड वेसल्स जाएगी, मतलब एक्जिलरी आर्टरी जाएगी, वेन इसमें से है, नर्व्स है, ब्रैकियल प्लेक्सेस हैं, तो ये जा रही है, इनमें लिम्फ नोड्स हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन में या फिर मेटास्टेसिस के केस में इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा कंटेंट में भी वही चीज़ें कुछ हम रिपीट कर सकते हैं, कुछ न्यू लिख सकते हैं। तो अब हम एक डायग्राम है कि कैसे आपको ये बनाना है। आप इसको इस तरीके का एग्जाम आपकी डायग्राम आपकी बुक्स में है, आप देखोगे ये बना रखी है फर्स्ट रिब, देखो ये बना रखी है फर्स्ट रिब, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया तो फर्स्ट रिब यहां से जाएगी साइड से आपकी, ये वाली होगी ना फर्स्ट रिब। इधर आपका ये स्कैपुला है, देखो ये स्कैपुला है, स्कैपुला बनाओ पहले, फर्स्ट रिब बनाओ, ये तरीका है बनाने का, पहले इन तीनों चीजों को बना लो, फर्स्ट रिब बना दो, ये स्कैपुला बना दो, साइड में ह्यूमरस बना दो, ठीक है ना। ये ऐसे देखो ऐसे हो रहा है ना, साइड में ह्यूमरस जा रही है, यहाँ से आपकी पीछे से स्कैपुला आ रही है, ये आपकी जो है फर्स्ट रिब होगी। तो ये आप तीनों को बना दो, ठीक है, इसमें हमने क्लेविकल को नहीं बना रखा। अब देखो एंटीरियरली मैंने बताया था पेक्टोरल के रीजन की मसल्स है, पेक्टोरलिस मेजर है पेक्टोरलिस माइनर, तो एक बड़ी बना दो मेजर, उसके अंदर बना दो माइनर छोटी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है रिब के पास होती है सीरेटस एंटीरियर, ये सीरेटस एंटीरियर बना दो, स्कैपुला है स्कैपुला के नीचे बनाओ सब स्कैपुला, सब माने नीचे सब स्कैपुला इस बन के। ह्यूमरस के पास मैंने भी बताया कि बाइसेप्स आएगी कोराको ब्रैकियलिस आएगी, तो आपको इसमें जो है आपका शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया ये रहा हो गया, कोराको ब्रैकियलिस आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई इन द बाइसिपिटल ग्रुप, यहाँ पे हमने ये इसको शो कर दिया। टीरिस मेजर एंड लैटिसिमस में जो लैटिसिमस डॉर्साई है वो पोस्टर साइड में है, तो ये आपको दिखा दिया इन्होंने
टीरिस मेजरम और लैटिसिमस डॉर्साई, ये एक साथ इन्होंने शो कर दिया पोस्टर साइड में, ठीक है ना। अब हम इसके कंटेंट की बात करेंगे, तो कंटेंट एक एक्सिलरी शीट बनाना गोल सी, उसके अंदर आर्टरी और नर्व, तो आपको पता चल गया एक्सिलरी होगी तो एक्सिलरी आर्टरी होगी, एक्सिलरी वेन होगी, और नर्व में आपका ब्रैकियल प्लेक्सस है, तो आप कोर्ड्स बोल सकते हो ब्रैकियल प्लेक्सस के, ब्रैकियल प्लेक्सस बोल सकते हो। साथ में इसके लॉन्ग थोरेसिक नर्व और दूसरी नर्व होती है, तो वो आप अभी हम देख लेते हैं, पर आप इस तरीके से डायग्राम को आप प्रॉपरली बना सकते हो एग्जाम में एक्सिला पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ एक्सिला की। कई बार ये इन्यूमरेट दी कंटेंट ऑफ एक्सिला का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सिर्फ नाम लिखने होते हैं इन्यूमरेट करने के, या फिर एमसीक्यू भी आ जाता है कि ऑल आर द कंटेंट ऑफ एक्सिला एक्सेप्ट, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो एक्सिलरी आर्टरी और वेन ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, सिंपल है, कुछ याद नहीं रखना इसमें। वेन की जगह इसकी ट्रिब्यूटरीज भी लिख सकते हो, ठीक है ना। दूसरा हम ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ चुके हैं, तो ब्रैकियल प्लेक्सस तो हमने लिखना ही है लिखना। अब ब्रैकियल प्लेक्सस को कैसे लिखना है, क्या उसका पार्ट है, वो हम लिख सकते हैं। इसमें लिखते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा इंफ्रा क्लेविकुलर क्या होता है, पर थोड़ा ध्यान रखने की बात है क्योंकि यहाँ है तो क्लेविकल का से नीचे वाला पार्ट जो होता है, क्योंकि ऐसे जानने इसके नीचे ही होता है, तो क्लेविकल के जो नीचे वाला पार्ट है इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रैकियल प्लेक्सस का, वो इसमें होता है, ठीक है। वेन हो गया, आर्टरी हो गया, एक नर्व। देखो कोशिश ये किया करो, पहले याद रखो कोई भी कंटेंट याद रखना है, नर्व कोई जा रही है कि नहीं, आर्टरी कोई जा रही है कि नहीं, उससे वेन कोई जा रही है कि नहीं, उसमें कोई लिम्फ नोड होगी कहीं ना कहीं, तो आपको कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी कंटेंट हो, हमें कोशिश करनी चाहिए इस तरीके से याद रखने की, ठीक है। अब नाम ही बता रहा है, एक्सिला है तो एक्सिलरी आर्टरी, नाम ही एक्सिला है तो एक्सिलरी वेन, ब्रैकिया मैंने बोला हैंड के लिए बोलते हैं, तो प्लेक्सिस कौन सा होगा, ब्रैकियल प्लेक्सिस, ऐसे याद आप रख सकते हो। लिम्फ नोड्स के इसमें पाँच ग्रुप होते हैं फिलहाल इस लेवल पर, आप पाँच ग्रुप याद कर लो। हालांकि ये क्लिनिकल क्वेश्चंस में आता है कि आप एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होते हैं एग्जामिन कैसे करोगे, ये आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी होता है, और पेशेंट्स में भी आपको ये कैंसर वगैरह का जो केस होते हैं जो फाइनल ईयर में स्पेशली मिलते हैं, उनमें आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के नाम और उनके कैसे उनको पैल्पेट करते हैं, कैसे कैंसर में और इन्फेक्शन में डिफ्रेंशिएट करते हैं लिम्फ नोड, क्योंकि दोनों केस में बढ़ती है, तो वो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। वो हम एक ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सारी की सारी जो लिम्फ नोड होती है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में है, उनके अलावा भी बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं, तो कौन कौन सी लिम्फ नोड्स होती हैं, कैसे उनको चेक करते हैं, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, वो हम एक डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आता है जो नर्व्स है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व आपने देख ली, याद रखने का तरीका ये है क्योंकि ये थोरेक्स रीजन है तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व हो गई। दूसरा हमने बताया अभी कि इंटरकॉस्टल मैंने भी बोला था, ठीक है ना, क्योंकि रिब्स भी, रिब्स जो होती है उनके बीच में कुछ मसल्स होते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाती है, तो यहाँ वर्ड हो रहा है इंटरकोस्टो, वही वाला। हमने ब्रैकियल हाथ के लिए यूज़ करते हैं, तो इंटरकोस्टो ब्रैकियल आपका नर्व्स होती है, समझ में आ गया तुम्हारे, कि इंटरकोस्टो ब्रैकियल नर्व्स, कोस्टल है क्योंकि दो रिब के बीच में, और ब्रैकिया हैंड के लिए, तो इंटरकोस्टो ब्रैकियल एंड लॉन्ग थोरेसिक क्योंकि थोरेसिक रीजन में। साथ में इसमें दो कंटेंट और याद रखने हैं आपका, एक तो होता है एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट, जो कि मैं पेक्टोरल रीजन में पढ़ा चुकी हूँ, ब्रेस्ट का एक एक्सिलरी टेल होता है, ब्रेस्ट होती है उसका एक्सिलरी टेल होता है, तो वो भी इसमें क्योंकि ऐसे जाता है एक्सिलरी टेल, ठीक है ना, इस तरीके से ये वाला जो एरिया होता है ना ब्रेस्ट का, ये ब्रेस्ट है, ये एक्सिलरी टेल कहलाता है। तो एक्सिलरी टेल का जो एरिया है वो भी देखो जा रहा है ना, ऐसे हैंड होगा यहाँ पे, इस तरीके से ये बना हुआ है ना, तो यहाँ पर हैंड का, यहाँ पर ये जो एरिया है आर्मपिट का, वहीं पर ये आपका एक्सिलरी टेल जा रही है, तो एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट भी इसका कंटेंट होता है, एक्सिलरी फैट, एक्सिलरी टिश्यू, तो ये सारे के सारे आपके इसके कंटेंट होते हैं।